आज की क्लास में हम लोग क्लास 11 पार्ट 5 समय संख्याएं और द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 5.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे। देखिए, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले समय संख्याओं की असमिकाएँ पढ़ेंगे, उसके बाद आर्गन प्लेंट पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इसको पहले देख लेते हैं। देखिए, असमिकाएँ क्या होती हैं। जैसे यदि दो कोई समय संख्याएँ हैं, देखिए Z1 और Z2, ठीक ना। तो देखिए, ये तो बराबर हो सकती है, ठीक ना। कोई भी दो समय संख्याएँ बराबर हो सकता है, ठीक ना। जैसे मान लिया हमने एक समय संख्या लिख लिया Z1 बराबर a प्लस आई बी और Z2 बराबर c प्लस आई डी, ठीक ना। यदि कोई दो समय संख्या हमने लिया तो अगर बोले कि ये Z1 बराबर Z2 है तो ये कब, तो इससे क्या होगा, ये कब हो सकता है, जब a बराबर c होगा एवं और b बराबर ये d होना चाहिए, ठीक ना। या तो कहिए, अगर दो समय संख्या बराबर है तो इसके वो जो ये जो वास्तविक भाग है, ठीक ना, ये वास्तविक भाग रियल पार्ट आपस में बराबर होंगे और इनका जो अधिकल्पित भाग है वो आपस में बराबर होंगे, ठीक ना। देखिए, इसका विलोम लिख लेते हैं हम। देखिए, जैसे यदि a बराबर c एवं b बराबर d, है ना, मतलब जो इसे अधिक ये वास्तविक भाग है वो आपस में बराबर है और जो अधिकल्पित भाग है वो आपस में बराबर है, तो बोल सकते हैं Z1 बराबर ये Z2 होता है, ठीक ना। इसी का विलोम है, दो समय संख्या बराबर हैं तो उनके वास्तविक और अधिकल्पित भाग बराबर होंगे, और यदि किसी भी समय संख्या के वास्तविक और अधिकल्पित भाग बराबर हैं तो कह सकते हैं कि ये दो समय संख्याएं बराबर हैं, ठीक ना। तो देखिए, ये इक्वल का चिन्ह है, बराबर होता है ये, ठीक ना। तो ये इसी का पहला और ये दूसरा है ना विलोम कराया था। अब देखिए, यदि दूसरा भाग अगर हम बोलें कि Z1 बड़ा है Z2 से या Z1 छोटा है Z2 से, ठीक ना, तो इसी को देखिए असमिकाएं बोलते हैं, इनइक्वेलिटी। ये इक्वल की बात थी तो अलग मैटर है, हम इसी टॉपिक के अंदर इसको हमने पढ़ा दिया, मगर इनइक्वेलिटी इसको बोलते हैं, ठीक ना, ग्रेटर देन और लेस देन। तो देखिए, किसी भी दो समय संख्याओं में तुलना नहीं हो पाती है, ठीक ना, कि ये Z1 ये समय संख्या इस Z2 से बड़ा है कि ये छोटा है, क्योंकि कोई समय संख्याएं ठीक ना आर्गंड तल, ये अभी हम बताएंगे, इसको ऑर्गन प्लेन बोलते हैं, तल पर किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक ना, किसी स्थिति बस प्रदर्शित करता है ये, ठीक ना। जैसे देखिए, जैसे ये रहा एक ना एक प्लेन बना लेते हैं। देखिए, हम सीधे जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कोई वास्तविक संख्या ले लेते हैं हम। देखिए, जैसे हम कोई वास्तविक संख्या लेते हैं 5 और ये 7, ठीक ना। तो इस वास्तविक संख्याओं में हम तुलना कर सकते हैं कि 5 बड़ा है 7 से, सॉरी 7 बड़ा है 5 से, ठीक ना। ये हम कह सकते हैं कि ये छोटा है 7 से, या -1 और 0 के बीच में तुलना करें तो -1 छोटा होता है 0 से। इस तरह हम तुलना कर सकते हैं, मगर किसी भी दो समय संख्याओं में तुलना नहीं कर सकते कि ये बड़ा है वो छोटा है, ठीक ना, क्योंकि ये किसी समय संख्या किस आर्गन तल पर किसी बिंदु की स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक ना। तो देखिए, जैसे एक बिंदु ले ले रहे हैं हम, ये है आर्गंड तल, ठीक ना। देखिए, ये तल कार्तीय तल के ही जैसा ही होता है। देखिए, उसमें क्या फर्क होता है, देखिए जैसे ये है कार्तीय तल, ठीक ना, ये x अक्ष हो गया,
ये वाई अक्ष हो गया, ठीक ना। और इस तल पर भी चारों चतुर्थांश में किसी बिंदु को दिखाते हैं हम लोग, ठीक ना। जब यही ये है कार्तीय तल, ये कार्तीय तल, ठीक ना, कार्टेजन प्लेन बोलते हैं इसे। तो जब हम इसके यक्ष अक्ष को, ठीक ना, यक्ष अक्ष को जब हम इसको यहां मान लेते हैं वास्तविक अक्ष कहते हैं, वास्तविक अक्ष है ना, या रियल एक्सिस अगर हम इसको बोलते हैं, ठीक ना। और वाई, वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, तो हम वाई को बोलेंगे अधिकल्पित अक्ष, अधिकल्पित अक्ष बोलेंगे, ठीक ना, ये वाई अक्ष को। तब हम इसी तल को बोलेंगे कि ये आर्गन तल है, ठीक ना, इसको बोलेंगे आर्गन तल है या प्लेन है, ठीक ना। तो चीज वही रहती है, इसमें इस तल पर इनमें हम वास्तविक संख्याओं को या बिंदुओं को दिखाते हैं, या इस आर्गन तल पर हम समय संख्याओं को दर्शाते हैं, ठीक ना। तो ये समझ में आ गया, तो ये समझ में आ गया कि कार्तीय तल ये होता है और आर्गन तल ये होता है। अब हम इस आर्गन तल पर ही किसी समृद्ध संख्याओं को दिखाते हैं, ठीक ना। तो देखिए इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें क्या है, अगर कोई एक बिंदु है यहाँ पर और कोई ये अगर बोल, देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे जेड वन है, ये हो गया 2+3i, ठीक ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग लेंगे। देखिए 2 और 3 हो गया, तो इसको अगर हम दिखाना चाहें तो देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो ये हमको यहाँ पर ये दिखाई देगा। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या दिखाया, 2+i3, ठीक ना। तो इसको दिखाया और इसका क्या दिखाते हैं हम यहाँ पर, देखिए ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक ना, और इसको क्रमित युग क्या गया 2 और 3 से हमने दिखाया, ठीक ना। तो इस तल पर हम ऑर्गन तल को दिखाते हैं, किसी बिंदु की स्थिति को दिखाते हैं, ठीक ना। अब देखिए मान लिया Z2 कितना रहा था, Z2 पर ले लिया -2+i3, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये 1 और ये 2, तो ये -2 ये हो गया, और 3 y का मान 3 है, तो ये रहा 3। तो अब हमने देखिए ये रहा यहाँ पर दिखाया, तो ये एक ठो ये Z1 हो गया और ये Z2 हो गया, ठीक ना। और ये वास्तविक संख्याओं का क्रमित युग क्या होगा, 2 और 3, ठीक। तो हमने इसमें क्या किया, बस बिंदुओं को दिखाया है, तो इस बिंदु के स्थिति को दिखा रहे हैं, तो हमने कह सकते हैं कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, ठीक ना। कोई बड़ा और छोटा का आधार होता है, किसी आधार पर कहते हैं कि नहीं ये बड़ा है और वो छोटा है, ठीक ना। जैसे अगर हम वास्तविक संख्याओं में किसी संख्या को हम बोलते हैं कि बड़ा है छोटा है, जैसे हमने उदाहरण लिया था 5 और 7, तो हमने बोला 7 बड़ा है, ठीक ना। फिर बोला -1 और 0 के बीच में अगर तुलना करें तो 0 भी बड़ा है, तो हम इसका बोलते हैं कारण, इसका कारण होता है क्यों हम इसको बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, इसको अगर हम इस संख्या रेखा पर दिखाएं, देखिए संख्या रेखा क्या होता है कि सभी वास्तविक संख्या, जिन मतलब ऐसी रेखा जिन पर सभी वास्तविक संख्या को अगर हम प्रदर्शित कर सकें तो उसको संख्या रेखा बोलते हैं, ठीक ना, नंबर लाइन बोलते हैं। तो देखिए ये बीच में 0 और इसके दाईं साइड जाएंगे तो प्लस में वैल्यू रहेगी, ठीक ना, ये प्लस और ये अनंत तक जाएगा, ठीक ना, प्लस इनफाइनाइट। इसी प्रकार ये हो गया -1, -2, -3, इस प्रकार हो गया। तो इसमें देखिए संख्या रेखा पर दिखाने से ये फायदा होता है कि हमको पता चलता है कि कौन संख्या बड़ी होगी और कौन संख्या छोटी होगी, ठीक ना। जैसे अगर जो संख्या जितनी बाईं तरफ है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा, जो संख्या जितनी बाईं तरफ है वो अपने दाईं तरफ से बड़ी होती है, छोटी होती है, ठीक ना। देखिए जैसे इनकी अगर बात करें तो ये देखिए यहाँ 5 यहाँ मिल जाएगा, 6 यहाँ मिलेगा और ये 7 यहाँ मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए 5 जो है इस 7 से बाईं तरफ है, ठीक ना, इस 7 से ये बाईं तरफ है इसलिए छोटी है, ठीक ना। अब देखिए इसकी अगर बात करें तो 0 ये रहा, -1 ये रहा, तो कौन इसके बाईं तरफ है, ये बाईं तरफ है, तो बाईं तरफ हमेशा अपने दाईं तरफ से छोटा होता है, मतलब बाईं तरफ जितना आप जाएंगे उतना वैल्यू छोटा होता चला जाएगा और दाईं तरफ जितना जाएंगे उस तरफ मान बढ़ता चला जाता है। इस आधार पर इसको हम बोलते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ठीक ना। अब इसका तो क्या है, हम केवल बिंदु को दिखा रहे हैं, तो इन बिंदुओं की स्थिति पर दिखा रहे हैं, तो इसमें बड़ा छोटा कोई बात नहीं होता है, ठीक ना, इसलिए ये सब नहीं होते हैं, ठीक ना, ये बड़ा और छोटा की बात नहीं करते हैं,
ठीक ना। तो समीकरण संख्याओं के बारे में आ गया। अब देखिए अगर हम इसी का मॉडुलस निकालें हम, ठीक ना, देखिए इसके आगे देख लेते हैं इसमें। देखिए जैसे अगर हम इसका जेड, अगर जेड वन, देखिए जैसे ये जेड वन है, ठीक ना, जेड वन है, अगर हम इसका मॉड निकाल लें, ठीक ना, मापांक निकाल लें, तो देखिए ये जाएगा 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर बराबर ये 2 × 2 = 4 और ये 9, 9 = 4 ये 13 हो गया, ठीक ना। और अगर इसका हम ज्ञात करें तो देखिए यहाँ पे कुछ मान बदल लेते हैं, ठीक ना, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर 4 मान लेते हैं, ठीक ना। अगर हम इसका अगर मापांक निकालें, ठीक ना, उसका भी निकाल सकते थे, ये देखिए ये 2 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, ठीक ना। तो अगर इसको हम हल करें तो देखिए 4 और ये 16, 16 = 4 = 20 आ गया, ठीक ना। तो देखिए अब जो ये जो हमने निकाला मापांक निकाला, तो ये क्या है, एक संख्यात्मक मान प्राप्त हो रहा है, ठीक ना। देखिए ये जैसे करणी 13 है और करणी 20 है, ठीक ना, 16 = 4 = 20। तो अब हम इसकी तुलना कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक ना, तो ये अलग बात है, ठीक ना। तो मॉडुलस का तुलना कर सकते हैं, जेड वन देखिए इसमें करणी 13 आया है और करणी 20 आया है, तो कौन बड़ा हुआ, तो ये करणी जेड टू मतलब ये बड़ा हुआ, मतलब ये कितना आया था इसका, ये 13 आया था और ये करणी में 13 और करणी में 20 आया था, ठीक ना। तो इस प्रकार ये बड़ा हुआ, तो इस तरह की तुलना हम कर सकते हैं, ठीक ना, इसका मॉडुलस निकाल के बता सकते हैं कि किसका मान, मतलब मॉडुलस क्या हुआ, दूरी हुआ, ठीक ना, ये किसी भी चीज़ की दूरी होती है, दूरी हम बता सकते हैं क्योंकि इसका संख्यात्मक मान है, तो बोल सकते हैं कि जेड वन का मॉड मॉडुलस या मॉड बड़ा है जेड टू से, या जेड टू का मॉड बड़ा है जेड वन से, ठीक ना। तो इस प्रकार की तुलना कर सकते हैं, मगर किसी दो समी संख्याओं का बड़ा और छोटा की तुलना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। अब इसके बाद देखिए हम लोग आर्गन तल पढ़ेंगे, देखिए अब हम लोग आर्गन तल पढ़ेंगे, तो देखिए ये है आर्गन तल, ठीक ना, इसी को ऑर्गन प्लेन बोलेंगे, ठीक ना, इसी को कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हैं, ठीक ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, या इसी को गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं, ठीक ना, इसको कई नाम से बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए बोलते हैं कि किस पर समी संख्या को दर्शाते हैं। तो देखिए हमने बोला था कि अभी इसके पहले बताया कि देखिए कार्तीय तल क्या होता है, ये रहा कार्तीय तल, ठीक ना, ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ, ठीक ना, तो इसमें किसी बिंदु को हम दर्शाते हैं। देखिए जब इसी ये है कार्तीय तल, ये है कार्तीय तल, ठीक ना, इसको बोलते हैं कार्टेजन प्लेन। हर चीज़ का इंग्लिश और इंग्लिश आपको याद होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों टेंस में, दोनों फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए इसी को जब हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्गन प्लेन पर, तो देखिए क्या फर्क होता है, देखिए ये रहा, जब हम इसको यक्ष अक्ष जो है, ठीक ना, इसको अगर हम वास्तविक अक्ष कहेंगे, वास्तविक अक्ष, ठीक ना, और इसको बोलेंगे अधिकल्पित, अधिकल्पित, अधिकल्पित अक्ष, ठीक ना, तो यही चीज कन्वर्ट हो जाता है हमारा आर्गन तल पर, तो ये हमारा आर्गन तल हो गया, ठीक ना। सिंपल आर्गन तल पर हम किसी भी समी संख्या को दिखाते हैं, ठीक ना। तो देखिए जैसे अगर एक समी संख्या ले लिए हम z = x + iy, ठीक ना, a प्लस आई भी ले सकते हैं। तो अगर x प्लस आई वाई लिखा है हमने, तो अगर हम इसको इस पर दिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे, हम इनका वास्तविक संख्याओं के, ठीक ना, वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म लेंगे, है ना, ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, क्रमित युग्म, है ना, ऑर्डर्ड पेयर लेंगे, ठीक ना। जैसे इसका देखिए ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, ये वाई हो जाएगा, ठीक ना। फिर जिसको इसी को हम यहाँ पर ऑर्गन तल पर दिखाएंगे, ठीक ना। तो किसी भी समी संख्या को ऑर्गन तल पर दिखाने के लिए
दिए हुए समय संख्या को वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग में चेंज करते हैं। तो देखिए इसका क्या हो गया, एक्स वाई। अब हम इसको यहाँ पर दिखा लेंगे, ठीक ना। तो अगर हम इसको देखें, देख लें, मान लिया यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये एक्स हो गई, ठीक ना। देखिए ये क्या है, ये वास्तविक भाग है, तो हम इसको वास्तविक अक्ष पर लेंगे, और ये जो अधिकल्पित भाग है तो हम इसको वाई अक्ष पर, अधिकल्पित अक्ष पर लेंगे। तो देखिए ये एक्स है और ये यहाँ से यहाँ तक वाई है, मान लिया, ठीक ना। तो हमको ये बिंदु यहाँ पर, ये हमको ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमको वहाँ दिखाई देगा, तो इसको हम यहाँ पर जेड लिख लेंगे, और इसका क्रमित युग्म क्या है, एक्स और ये वाई हो गया, ठीक ना। ये हो गया, इसको ऑर्गन तल पर किसी भी समय संख्या को दिखाते हैं, ठीक ना। अब देखिए अगर हम इसी का मॉडलस निकाल लें, ठीक ना, देखिए मॉड तो क्या होता है, इसमें हमने बोला था जैसे ये आर ई का स्क्वायर है ना, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस आई एम जेड, ये है अधिकल्पित भाग का वर्ग, इस प्रकार होता है। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है, एक्स का स्क्वायर हो गया प्लस ये वाई का स्क्वायर हो गया, ठीक ना। और ये है क्या चीज़, तो देखिए ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये है हमारा, तो इसी को बोलते हैं मॉड ऑफ जेड, ठीक ना। तो देखिए हमको आंसर इतना आ गया, ठीक ना। देखिए इसको अच्छे समझिएगा, तो ये हो गया इसका मॉड निकाल लिया हमने। अगर हम इसी का एक, अगर इसी का संयुग्मी अगर निकाल लें, देखिए हम इसका अगर संयुग्मी निकालें, ठीक ना, तो क्या होता है, कोई भी समय संख्या दिया हो अगर हम उसका संयुग्मी निकाल रहे हैं तो क्या करते हैं, सीधे अधिकल्पित भाग को का चिन्ह बदल देते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस में लिखेंगे, माइनस है तो प्लस में होता, तो देखिए लिखेंगे यक्स माइनस आई वाई, ठीक ना। अब देखिए ये कहाँ, ये देखिए कहाँ जाएगा, अगर इसको हम दिखाना चाहें यहाँ पर, तो देखिए क्या है इसका क्रमित युग्म क्या बनेगा, तो देखिए क्रमित युग्म क्या, एक्स माइनस वाई, ठीक ना, यक्स माइनस वाई। अगर हम इसको खोजें इसमें तो क्या है, देखिए यक्स क्या है, यक्स धनात्मक चिन्ह प्लस में है, वाई ऋण में होना चाहिए, तो ऋण इधर होगा, तो ये देखिए इतना मान लिया, ये हमने ये वाई हो गया, तो देखिए यहाँ पर लगभग बिंदु ये आया, देखिए ये हमने माइनस में ले लिया, ठीक ना, माइनस नहीं होता चूँकि यहाँ से ऊपर प्लस यहाँ से नीचे, इसलिए माइनस वाई हमने लिख लिया, और देखिए ये हो गया मॉड, तो ये मॉड ये आया, ठीक ना। अगर इस संयुग्मी का अगर मॉड निकालें तो देखिए हम निकाल लेते हैं क्या आ रहा है यहाँ पर, देखिए तो ये हो जाएगा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए वही सेम चीज आया, देखिए एक्चुअली है क्या, ये मूल बिंदु है अपना, ठीक ना, मूल बिंदु है, और मॉड जेड क्या दिखाता है, तो देखिए मॉड जेड क्या दिखाता है, मॉड जेड का मतलब समीप संख्या, ये जो है समीप संख्या, संख्या की मूल बिंदु से दूरी दिखाता है, ठीक ना, मूल बिंदु से दूरी दिखाता है ये, ठीक ना, कितनी दूरी पर ये है, ठीक ना। तो देखिए ये बनाया, अब देखिए सेम आंसर आया, भाई दूरी है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का प्लस माइनस का कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, है ना, दूरी हमेशा प्लस में ही लेते हैं। तो ये हो गया हमारा, देखिए ये हो गया, और इसको दिखाएं क्या, तो ये हो गया एक्स, ये माइनस वाई, ठीक ना। अब देखिए एक ऋण में लेते हैं, इसी का ऋणात्मक भाग लेते हैं, मतलब ऋण में करते हैं इसको, तो ये संख्या, ये समय संख्या है, इसका ऋणात्मक लेंगे तो देखिए माइनस करेंगे ऐसे, तो इस प्रकार माइनस एक्स माइनस आई वाई हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम इसका मॉडुलस निकालें, मॉड ऑफ माइनस जेड इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक ना। तो देखिए क्या दिखा देगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर आ गया, ठीक ना। तो देखिए ये कहाँ से जाएगा, इसका अगर क्रमित युग्म में देखें तो माइनस एक्स और माइनस वाई होता है, तो ये कहाँ दिखाएगा, देखिए एक्स इधर भी माइनस में और ये वाई भी माइनस, तो हमको यहाँ दिखाई देगा, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर निकाल लेते हैं, ये दूरी है, ठीक ना, और ये क्या है माइनस एक्स माइनस वाई, तो ये हो गया अपना माइनस में, ठीक ना, यहाँ माइनस लिख देते हैं माइनस एट, ठीक ना, और ये देखिए मोड आया किसका, माइनस में, ठीक ना। तो इस प्रकार देखिए
ये हमने देखा। तो अगर हमने देखा तो देखिए जेड का देखिए निष्कर्ष में क्या निकला, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू माइनस, मतलब कंजुगेट ऑफ जेड का मॉड इक्वल टू माइनस ऑफ जेड का मॉड, ठीक ना, सेम आंसर आता है। और इसके पहले भी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो देखिए इसमें ग्राफिकल ग्राफ में भी हमने इसको देखा कि एकदम सही आ रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया ऑर्गन तल में। ऑर्गन तल क्या होता है, इसमें सिंपल किसी समय संख्या को उसके क्रमित युग्म के रूप में लिखकर इसको दर्शाते हैं, ठीक ना। तो ये ऑर्गन तल आ गया। अब देखिए इसमें एक होता है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जेड वन बराबर फाइव प्लस आई जीरो, ठीक ना, और एक एग्जांपल ले लूँ मैं जीरो प्लस आई थ्री, ठीक ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें देखिए आपका अधिकल्पित भाग शून्य है ना, मतलब ये फाइव लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको इस पर दिखाएं तो देखिए आपको कहाँ दिखाई देगा, देखिए चूंकि अधिकल्पित भाग शून्य है तो ये हमको इस अक्ष पर दिखाई देगा, एक्स अक्ष पर ही दिखेगा, ठीक ना। तो देखिए इसको हम दिखा देंगे तो सिंपल ये हमको यही दिखाई देगा, ठीक ना, ये वाला इस पर देखेगा, है ना, मतलब ये वास्तविक अक्ष पर दिखाई देगा, वास्तविक अक्ष पर, ठीक ना। चूंकि इसका क्रमित युग्म अगर हम लिखें तो 5 और ये 0 आया, और 5 0 मतलब x का मान 5 y का मान 0 है, तो ये हमको यहीं पर ही दिखाई देगा, ठीक। अगर हम इसमें देखें z2 अगर हम देखें तो z2 देखें इसमें वास्तविक भाग शून्य है, इमेजिनरी पार्ट है, तो ये वाला कहाँ दिखाई देगा, देखिए ये लिखा क्या हुआ, देखिए इसको हम लिखें इसे क्रमित युग्म देखें ना तो 0 और 3 लिखा हुआ है, है ना, वास्तविक संख्या क्रमित युग्म में लिखे हैं तो 0 3 लिखा है, तो 0 x का मान 0 y का मान 3, मतलब ये हमको यहाँ दिखाई देगा, तो ये हो गया 0 और 3, ठीक ना। तो देखिए अगर इस ऑर्गन तल में अगर किसी चतुर्थांश में आ रहा है, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है, जो समय संख्या होता है वो पूरा x प्लस आई वाई के मान में पूरा रहता है, ठीक ना, इसमें मतलब वास्तविक मान भी रहता है और अधिकल्पित भाग भी रहता है। अगर कोई अक्ष पर आ रहा है, ठीक ना, देखिए ये जैसे इस पर कोई बिंदु आ रहे हैं या इस पर बिंदु आ रहे हैं तो बोलते हैं वे अक्ष पर आए हुए हैं, ठीक ना, ये तल पर है, ये अगर इस पर ये सब जो लिखे हैं वो तल पर हैं और ये जो हैं अक्ष पर आए हुए हैं, तो अक्ष पर तभी आते हैं जब इनमें से कोई एक भाग शून्य हो, जैसे यदि इसका वास्तविक भाग शून्य है या इसका अधिकल्पित भाग शून्य है तभी ये अक्ष पर आते हैं, ठीक ना। और इनको देखिए जैसे बताया इनको बोलेंगे ये है वास्तविक संख्याएं हैं, फिर वास्तविक संख्या है ना, देखिए अधिकल्पित भाग शून्य है तो ये वास्तविक संख्या हो गया, तो वास्तविक संख्या वास्तविक अक्ष पर आ गया। इसी प्रकार ये क्या है, ये है अपना शुद्ध अधिकल्पित भाग, ठीक है, अब भाग नहीं, अब ये संख्या हो गया, ये संख्या हो गया, तो अधिकल्पित संख्या कहाँ पर आएगा, ये वाई अक्ष पर आएगा, है ना, अधिकल्पिक अक्ष पर आएगा। तो इस तरह ये देखिए ये हो गया। अब देखिए इसके बाद लिखेंगे समय संख्याओं का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे समय संख्याओं का ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप, ठीक ना, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए अगर कोई एक समय संख्या ले लेते हैं हम एक्स प्लस आई वाई, ठीक ना, तो अभी हमने देखे जैसे को अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, तो देखिए ये है, अगर हम इसको किसी भी समय संख्या को अगर ऑर्गन तल पर अगर दिखाना हो तो हम इनके वास्तविक संख्याओं के क्रमित युग्म लेते हैं, ठीक ना, तो क्रमित युग्म है एक्स ये वाई, ठीक, तो हम इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखा लेंगे, देखिए यहाँ से ये मूल बिंदु है, ये है वास्तविक अक्ष है, ये है वास्तविक अक्ष, है ना, एक्स अक्ष को वास्तविक अक्ष बोलते हैं और वाई अक्ष को अधिकल्पित अक्ष, अधिकल्पित अक्ष हो गया। तो इस पर देखिए ये है वास्तविक भाग, तो वास्तविक भाग अक्ष पर दिखाई देंगे हम लोग, तो ये हो गया, देखिए मान लिया यहाँ से यहाँ तक ये अक्ष हो गया, ठीक ना, और ये वाई, तो ये वाई यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं ये वाई हो गया, ठीक ना, तो ये हमको ये बिंदु प्राप्त हो गया जेड, ये हो गया एक्स और ये वाई, ठीक। तो हम किसी देखिए यहाँ पर जाने के लिए हमने क्या किया, हमने एक्स लिया और ये वाई लिया, तो हम इस बिंदु पर पहुँच गए, ठीक ना। तो इसको देखिए इसको जो बोलते हैं इसको कार्तीय
निर्देशांक बोलते हैं, कार्तीय निर्देशांक, ठीक ना, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, सिंपल हो गया। अब देखिए, एक तरीका तो हमने बताया, इस बिंदु पर जाने के लिए अगर हमको यक्स पता हो और ये वाई पता हो तो हम इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, ठीक ना, तो सिंपल। अब देखिए, अगर इसमें क्या एक ही मेथड है क्या कि इस बिंदु पर आने के लिए केवल हम यही रास्ता ही अपनाएंगे क्या? तो देखिए, एक रास्ता और है। तो एक रास्ता क्या होगा, हम यहाँ से सीधे यहाँ से, देखिए एक हो सकता है ये यहाँ से यहाँ जाएँ, ठीक ना, जिसको हम लोग आर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए एक ये हो गया, और हम कितना, जैसे यहाँ पर इस पर कुछ एंगल भी लेकर इतना ऊपर लाइन खींचेंगे ना, ये लाइन कितना खींचे, यहाँ खींचे यहाँ खींचे यहाँ खींचे, ठीक ना, एक जेट वहाँ जाके इस बिंदु पर मिलेगा, तो इसके लिए एक एंगल भी चाहिए, ये हमको थीटा भी चाहिए, ठीक ना। यदि हम इससे, हमको अगर थीटा प्राप्त हो और ये आर प्राप्त हो तो हम सिंपल इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, सीधे इस एंगल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सीधे इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे, ठीक ना। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये आर और ये थीटा, ये क्या चीज़ है, ये है पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक ना, इसी को बोलते हैं ध्रुवीय निर्देशांक, ठीक ना। तो धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा होगा, यक्स वाई था तो कार्तीय निर्देशांक था, जब हमने इसको आर और थीटा के रूप में ले लिया तो इसको पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसी को ध्रुवीय निर्देशांक कहते हैं, ठीक ना, इतना समझ आ गया होगा। अब देखिए, आर कुछ अलग नहीं है, जो हमने यहाँ पे बताया था, ये जो मॉड होता है ना जेड का, यही चीज होता है आर, ठीक ना। तो आर तो हमने इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना, आर इक्वल टू कितना हो गया। अब हमको देखिए एक नया चीज़ है थीटा, ठीक ना, आर का जैसे जेड, जेड का मॉड हमको पहले से भी पता है ना, जो निकालते हैं हम लोग, मगर थीटा हमको एक नया चीज़ दिख रहा है, तो थीटा कैसे निकालेंगे। तो देखिए, अगर हम इसमें पहले भी निकालते आए हैं, देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये है ना, ये समकोण त्रिभुज है, और इसके सामने वाली, देखो अगर हम इस भुजा को ज्ञात करें और इस भुजा को ज्ञात करना चाहें तो कैसे निकाल लेंगे। देखिए अगर यक्स है ये वाई है, ठीक ना, तो अगर हम यक्स का मान निकालें तो देखिए इसमें क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, ठीक ना, और ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाता है, ठीक ना, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम इसका मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, ये आधार है, तो हमको देखिए मालूम है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, ठीक, और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, ठीक ना, ये क्लास 10 में पढ़ा हुआ है आपने, ठीक ना। मैं आपको यहाँ एक एक चीज़ बता दे रहा हूँ, कोई चीज़ लिखते हैं आर साइन थीटा कॉस साइन थीटा ये सब कहाँ से आता है, तो आप इसको देखिएगा, आधार कितना है भाई, ये है यक्स, और कर्ण कितना है आर, है ना, आर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर आर, ये थीटा हो गया, तो इसका मतलब यक्स बराबर क्या हो गया, आर कॉस थीटा हो गया, ठीक ना, और इससे क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा बराबर लंब कितना है भाई, ये वाई है ना। अब देखिए जो कार्तीय कोऑर्डिनेट है ना, हम उसी को सिंपल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर कर्ण कितना है, ये है आर, ठीक ना, तो इससे प्राप्त हो जाएगा आर बराबर, सॉरी वाई बराबर आर साइन थीटा, ठीक ना, तो देखिए कन्वर्ट हो गया। अब हम इसके स्थान पर देखिए, अभी आधार मिटा दे रहे हैं, अब ये चीज़ क्या हो गया, ये हो गया यक्स बराबर कितना, ये हो गया आर कॉस थीटा, ठीक ना, और ये हो जाएगा, ये हो गया आर साइन थीटा, तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो अब देखिए ये चीज़ यक्स था और ये वाई चीज़ थी, ठीक ना, तो अब देखिए जो हमारा ये जो समी संख्या है, अगर इसको हम कन्वर्ट करके जब यक्स के स्थान पर और वाई के स्थान मान रख दें तो देखिए क्या आता है, ये देखिए ये आ गया जेड बराबर यक्स का मान कितना है आर कॉस थीटा प्लस, और ये आई और वाई का मान क्या है आर साइन थीटा हो गया, ठीक ना, इसमें आर कॉमन है तो कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आर ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना। तो ये देखिए ये जो कहलाता है यही है किसी भी सममित संख्या का ध्रुवीय रूप कहलाता है या त्रिकोणमितीय रूप कहलाता है, ठीक ना, ये है ध्रुवीय रूप या इसको बोलते हैं पोलर फॉर्म,
ठीक ना, क्वेश्चन आता है इसमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें देखिए आर क्या है, तो आर देखिए जैसे कुछ नहीं, ये अलग मॉड ऑफ जेड है, और इसको हम कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए ये मापांक है, ठीक ना, मापांक है, ठीक ना, मापांक या मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ना, तो इसको मापांक बोलते हैं, ठीक ना, मॉडुलस बोलते हैं। और ये क्या है आपका, थीटा क्या है, तो इसको बोलते हैं देखिए कोणांक, ठीक ना, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट है ना ऑफ जेड, या सिंपल इसको बोलते हैं ए आर जी जेड, ठीक ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बोलते हैं इसको। तो देखिए इसमें यही है ध्रुवीय रूप, इसको ही बोलते हैं, ठीक ना। तो ध्रुवीय रूप हमने देख लिया, अब इस पर देखिए अब हमको क्वेश्चन आता है निकालने के लिए कि आप किसी भी सममित संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलिए, ठीक ना। तो उसमें देखिए आपको आर का दिक्कत नहीं आता है, कोई भी सममित संख्या हो उसका रूट अंडर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, आंसर आपको आर ज्ञात हो जाएगा, मगर आपको थीटा निकालना होता है, ठीक ना। तो थीटा निकालने के लिए हम आपको एक टेबल बताते हैं, और वो टेबल कैसे आया है उसको भी एक्सप्लेन करते हैं, और फिर एक उदाहरण देख लेंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे सममित संख्या का गुणांक ज्ञात करना, ठीक ना। तो गुणांक मतलब आपको थीटा ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे पोलर फॉर्म में लिखा हुआ है, जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना। तो यही हमको ये थीटा ज्ञात करना है, ठीक ना, जिसे आर्गुमेंट बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो इसमें थीटा देखिए ज्ञात करने के लिए हम आपको एक टेबल बता रहे हैं, इस टेबल को याद रखिए, कभी कोई समस्या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ टेबल बना लेते हैं हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा चतुर्थांश, ठीक ना, बहुत सरल तरीका है ये चतुर्थांश। ये चतुर्थांश पता करेंगे कि चतुर्थांश में ये है, और ये हो जाएगा मापांक, ठीक ना। तो मापांक देख लेंगे यहाँ पर, ठीक। अब देखिए एक अल्फा ज्ञात करना होता है, अल्फा कहिए या फाई ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले एक फाई ज्ञात करते हैं या अल्फा लिख लेते हैं। तो देखिए अल्फा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स मॉड इमेजिनरी है ना, जेड का इमेजिनरी भाग बटे आर ई है ना, वास्तविक भाग, इसको पहले हम अल्फा ज्ञात करते हैं, ठीक ना। देखिए कोणांक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले किसी भी, देखिए पहले कोणांक ज्ञात करेंगे, तो हम पहले ना कि जो भी सममित संख्या हमको दी है, ठीक ना, जेड इक्वल टू, देखिए जो सममित संख्या हमको दिया रहेगा, सबसे पहले तो सममित संख्या एक्स प्लस आई वाई दिया रहेगा, ठीक ना, ये चीज़ हमको दी रहेगी, और इससे हमको इसमें कन्वर्ट करना होता है, ठीक ना। तो इसमें आर तो ज्ञात हो जाता है, अब हमको थीटा ज्ञात करना होता है। तो थीटा देखिए करने के लिए सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि पहले ये हम अल्फा ज्ञात करेंगे, अल्फा क्या हो जाएगा, देखिए इमेजिनरी पार्ट वाई बटे एक्स टेन इनवर्स, तो इससे हमको एक अल्फा ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अगर अल्फा ज्ञात हो जाएगा तो अब हम इस सममित संख्या को चेक करेंगे कि किस चतुर्थांश में है। देखिए जैसे अगर इसकी बात करें, देखिए टेन, देखिए एक सममित संख्या ले लेते हैं एक्स प्लस आई वाई, ठीक ना, किस चतुर्थांश में है इसका मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं। ये हो गया जेड वन, ये जेड टू, तो ये हो जाएगा देखिए माइनस एक्स प्लस आई वाई, ठीक ना। एक जेड थ्री ले लिया तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस आई वाई, ठीक ना। सममित संख्या इसी रूप में ही मिलेगा आपको, फोर बराबर हो जाएगा चौथे चतुर्थांश में एक्स माइनस आई वाई, ठीक ना। देखिए ये हमको चार सममित संख्या हमने उदाहरण में लिया, ठीक ना। अगर हम इसको देखें कि ये सममित संख्या किस चतुर्थांश में है, तो हम क्या करेंगे इसके वास्तविक संख्या के क्रमित युग्म में बदल लेंगे, ठीक ना। देखिए जैसे इसका ये है, तो ये हो गया एक्स, ये वाई हो गया, ठीक ना, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये वाई हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये माइनस वाई, ये हो जाएगा एक्स और ये माइनस वाई हो जाएगा, ठीक ना। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। तो यदि हम इसको इसमें दिखाएं, ठीक ना, इस आर्गन तल पर दिखाएं सममित संख्या को, देखिए एक्स वाई यहाँ आएगा, ठीक ना, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार ये देखिए माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये यहाँ आ जाएगा जेड टू, ठीक ना, माइनस एक्स ये वाई यहाँ आ गया, समझ में आ गया होगा। ये जेड यहाँ आ जाएगा जेड थ्री, क्योंकि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ये माइनस वाई, ठीक ना, और ये जेड फोर,
इसका मतलब x का मान प्लस और y का मान माइनस में, ठीक ना। तो आपको सबसे पहले समय संख्या इस रूप में तो दिया रहेगा, ठीक ना। तो आप इसको देखिएगा, इसके क्रमित युग में बदल लीजिएगा और इसमें देखिए कि किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक ना। तो जिस पहले तो आपको चतुर्थांश समझ आ जाएगा किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद आप अल्फा निकालिए, मैं इसका उदाहरण आपको बताऊँगा। अल्फा निकालेंगे, अल्फा सिंपल ये बटिए करेंगे, मतलब ये बटिए किसी का भी हम अल्फा निकालेंगे, और चूंकि ये मोड लगा है तो इसका माइनस, इसका आंसर कभी माइनस में नहीं आएगा, ठीक ना। आपको अल्फा प्लस में ही आएगा, ठीक ना। तो आप सिंपल अल्फा निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें यदि प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय में है, इसका कॉलम बना लेते हैं इसको, ठीक ना। इस टेबल को याद रखिए, बहुत ईजी है। देखिए पहले चतुर्थांश में मतलब ये आपको ये काम कर रहा है, ठीक ना। या चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, है ना। ये उदाहरण लिख रहे हैं हम कि इस प्रकार का दोनों प्लस में है तो मतलब पहले चतुर्थांश में जाएगा ये, ठीक ना। तो इसका मतलब देखो, जो आपका गुणांक रहेगा वो इसी अल्फा के बराबर ही रहेगा, ठीक। अब देखिए इसमें सेकेंड में अगर दूसरे चतुर्थांश में ये जाता है, इसका मतलब यक्स ये वाला है, ये माइनस एक्स प्लस आई वाई इस फॉर्म में अगर आपको मिले, ठीक ना, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये जो गुणांक आएगा वो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। जो भी आप अल्फा यहाँ से निकालेंगे उसको पाई में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक ना। ये मैं बताऊंगा कैसे ये आ रहा है, अभी मैं बताता हूँ इसको, पहले इसको लिख लेते हैं। आप देखिए तीसरे चतुर्थांश में ये है माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस आई वाई के फॉर्म में अगर आपको मिले समय संख्या, तो समझिए ये तीसरे चतुर्थांश में है। तो ये इसमें आपको गुणांक क्या ज्ञात होगा, माइनस पाई माइनस अल्फा, ठीक ना। सिंपल ये चीज़ था, इसमें माइनस लग गया बस। और चौथे चतुर्थांश में अगर आपको कोई समय संख्या मिले, मतलब इस रूप में मिले, यक्स माइनस आई वाई मिले, तो आप गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप सिंपल इसका माइनस निकाल लेंगे, ठीक ना। जो भी आपको अल्फा दे रहेगा उसको माइनस में लिख लेंगे, आपका वो गुणांक ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ये हमने इतना लिखा, अब देखिए यहीं पर हम बता देते हैं इसको कि कैसे आया ये, ठीक ना। क्लास 11 में आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले तो ये रहा, ये तल बना दिया हमने। अब देखिए जो हम ये अल्फा निकालते हैं ये हमेशा न्यून कोण होता है, ठीक ना, एक्यूट एंगल होता है, ठीक। और ये जो थीटा होता है, ये थीटा हमेशा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई और लेस देन और इक्वल टू पाई, ये तो सबसे पहले याद रखिए। देखिए थीटा का मान माइनस पाई से पाई के बीच में, ठीक ना, ये थीटा का मान इसके बीच में ही होता है, ठीक। और अल्फा जो निकालते हैं हम न्यून कोण निकालते हैं, ये हो गया। अब देखिए अगर देखिए ये रहा जीरो, ये रहा पाई बाई टू, ये पाई और ये थ्री पाई बाई टू, ठीक ना। ये हमने तल सिंपल ऐसे बनाते हैं। कोई भी समय संख्या अगर पहले चतुर्थांश में है तो सिंपल इसका एक्यूट एंगल, तो मतलब एंगल अगर बताएं, ये थीटा जो बनेगा ये तो ऐसे सिंपल बनेगा, ठीक ना। ये हो जाता है इमेजिनरी भाग और ये होता है आरी भाग, ठीक ना। ये तो आ गया, तो ये हमको ये प्राप्त हो जाता है, ठीक ना, ये एंगल प्राप्त हो जाता है जो न्यून कोण है, ठीक ना। तो इसमें जो भी देखिए पहले चतुर्थांश में जो भी थीटा आता है वो अल्फा के बराबर ही रहता है, क्योंकि ये भी न्यून कोण है और ये भी जो भी आएगा इसके अंतर्गत न्यून कोण होता है। तो ये चलिए तो ठीक रहा, पहले चतुर्थांश में है तो जो भी अल्फा रहेगा वही थीटा का मान हो जाएगा। अब देखिए दूसरे चतुर्थांश में अगर आप यहाँ आ गए तो मतलब ये मतलब समझ में आया कि देखिए इसका यहाँ टेबल एक बना लेते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर न्यून कोण क्या बनेगा, देखिए ये जो हम अल्फा निकाल रहे हैं हमारा न्यून कोण देखिए यहाँ तक ये आएगा, ठीक ना, ये आया हमारा, ये आ गया इमेजिनरी, ये हो गया रियल पार्ट, ठीक ना। तो ये हमारा ये आ गया अल्फा आ गया, ठीक ना। दूसरे चतुर्थांश में जब आप निकाल रहे हैं न्यून ये एंगल निकालेंगे तो आपको ये अल्फा मिलेगा, ठीक ना। मगर हमको जो थीटा है वो यहाँ से देखिए ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक ना, ये वाला ना एंगल है, ये वाला लाइन है, तो ये वाला लाइन देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा ये थीटा है पूरा, ठीक ना। तो ये थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये अल्फा हमने इसमें आया, एक्यूट एंगल ये है और हमको ये एंगल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमको जैसे बताया
ये जीरो और ये पाई है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, पाई माइनस अल्फा कर देंगे, ठीक ना। देखिए पाई पाई माइनस अल्फा करेंगे तो आपको ये थीटा नहीं प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जैसे कि ये था, ये एंगल था, ये थीटा था, ठीक ना। तो ये थीटा इसे अल्फा के बराबर ही है, न्यून कोण है, पहले चतुर्थांश में न्यून कोण यही चीज़ हुआ। दूसरे चतुर्थांश जब हम न्यून कोण बनाएंगे तो ये न्यून कोण बना, ये न्यून कोण बना, ठीक ना। और हमको थीटा क्या चाहिए, थीटा ये यहाँ से यहाँ तक है। तो अब हमको ये थीटा लाने के लिए क्या करेंगे, पूरे पाई में से अल्फा को माइनस कर देंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए हम लिखे हैं पाई माइनस अल्फा लिखे हैं, ठीक ना। अब अगर हम तीसरे चतुर्थांश में देखें, तीसरा चतुर्थांश के लिए देखिए, हमको तीसरे चतुर्थांश में न्यून कोण इस प्रकार बनेगा, ठीक ना। ये है अल्फा, तीसरे चतुर्थांश में अगर समय संख्या हो तो अल्फा हमको ऐसे मिलेगा, ठीक ना। अब हमको देखिए क्या चाहिए, हमको ये वाला एंगल चाहिए यहाँ से यहाँ तक, भाई शुरू होते यहीं से हुआ, जीरो से ही हुआ है। तो ये वाला हमको थीटा देखिए यहाँ से आएगा, तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक तो पाई हमने बोला, ये पाई हो गया। अब पाई से आगे जाना है हमको, तो पाई से आगे जाने के लिए तो हमारा रेंज निकल जाएगा बाहर, हमने बोला जीरो से मतलब पाई तक ही होता है। तो क्या करेंगे, हम इसको इधर से नहीं जा सकते तो हम इधर से चले जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा एंगल, ठीक ना। तो ये वाला नहीं ले सकते तो हम ये वाला एंगल ले लिए, ठीक ना। तो ये वाला एंगल लेने के लिए देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक ही जाना है बस, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक देखिए कैसे के जाएंगे, तो देखिए अगर हम इधर से बोल रहे हैं प्लस पाई है तो इधर से होगा माइनस पाई होता है, तो देखिए माइनस पाई, तो जैसे बोला माइनस पाई हमने यहाँ से यहाँ पहुँच गए, मगर हमको यहाँ तक नहीं जाना है, हमको पाई अल्फा पीछे ही रहना है, तो हम प्लस अल्फा कर देते हैं, तो वापस पीछे हो गए। जैसे मतलब ये माइनस पाई यहाँ से यहाँ तक माइनस पाई आ गए, अगर हम इसमें अल्फा प्लस करेंगे, माइनस संख्या में अगर प्लस संख्या करेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू बढ़ जाता है, ठीक ना। तो हम अल्फा यहाँ पहुँच जाएंगे, मतलब ये हमको थीटा निकालना है, ठीक ना। तो ये हमको एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस पाई से प्लस अल्फा जोड़ देंगे। अब देखिए अगर हम इसमें कॉमन निकाल लें, माइनस कॉमन लें तो ये होगा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक ना। तो जो लिखा हुआ है हमारा, ठीक। अब देखिए चौथे चतुर्थांश अगर बात करें तो देखिए चौथे चतुर्थांश में ये है, ठीक ना। तो ये भाई ये अगर ये जीरो इधर से ऊपर अगर सुई की विपरीत दिशा में अगर जा रहे हैं तो प्लस में एंगल होता है, तो माइनस में चले गए, ये उल्टा चले गए। तो जितना ऊपर ये देखिए, जितना अगर ये प्लस में होता, ये प्लस थीटा है तो ये माइनस थीटा है, तो ये जितना अल्फा देखिए इसमें हमको ये लिखेगा अल्फा, सीधा सीधा बताएं, ठीक ना। न्यून कोण हमको अल्फा ऐसे निकलेगा और ये क्या है, माइनस थीटा, ठीक ना। जितना प्लस इधर उतना ही माइनस में है, तो इधर से माइनस में बोलते हैं, तो ये हो गया माइनस अल्फा है। तो इस प्रकार ये मैं ये टेबल ये आता है। तो आप क्या करिएगा, इस टेबल को याद रखिएगा और हम इस पर उदाहरण एक बताते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं, इसको हम ये लिखा है, समय संख्या दिया है, इसको हम ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो देखिए ध्रुवीय रूप के लिए क्या होता है, ये रहा जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना। ये होता है ध्रुवीय रूप, अगर हमको इसमें कोणांक का मापांक का माप ज्ञात हो जाए, हम रख देंगे तो ये ध्रुवीय रूप में बदल जाएगा। तो इसके लिए देखिए आर तो ईजी है, आर ज्ञात करते हैं कैसे हम लोग, मॉड ऑफ जेड इक्वल टू रूट अंडर वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी भाग का स्क्वायर। तो इस प्रकार ये हमको आ जाएगा, एक का एक प्लस करणी तीन का तीन बराबर करणी चार, मतलब ये हमको दो प्राप्त हो गया, ठीक ना। इसका कोई दिक्कत नहीं, अब हमको ये थीटा ही ज्ञात करना है, ठीक ना, आर्गुमेंट ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम पहले अल्फा ज्ञात करेंगे, ठीक ना। अल्फा ज्ञात करने के लिए क्या होता है, देखिए टेन अल्फा मॉड ऑफ इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट, ये ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्या होता है, इसमें रख देते हैं मान टेन इनवर्स, देखिए इमेजिनरी पार्ट कितना है रूट थ्री बटे ये वन हो गया, मतलब ये हो गया आपका टेन इनवर्स रूट थ्री ही हो गया, ठीक ना। और इसका मान कितना आता है, रूट थ्री किस पर होता है, साठ पर, है ना, टेन सिक्सटी पर रूट थ्री मान आता है। तो इस प्रकार देखिए हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा बराबर पाई बाई थ्री हो जाएगा, ठीक ना, सिस्टिक के मान। तो इस प्रकार हमको पहले तो ये अल्फा ज्ञात हो गया, ठीक ना। देखिए सरल सा तरीका है, आप पहले आर निकाल लीजिए, फिर अल्फा ज्ञात कर लीजिए, फिर इसको देखिए किस चतुर्थांश में स्थित है ये, ठीक ना। तो ये चूंकि पहले चतुर्थांश में स्थित है, देखिए इसका अगर क्रमित युग्म लिखें तो देखिए एक और करणी तीन आ रहा है, दोनों प्लस में है, तो पहले चतुर्थांश में गया। तो पहले चतुर्थांश में देखिए अल्फा बराबर थीटा ही होता है,
ठीक ना। तो इस प्रकार हमको देखिए थीटा कितना प्राप्त हो गया, ये हो गया पाई बाई थ्री हो गया। तो हमको आर भी प्राप्त हो गया, थीटा भी प्राप्त हो गया, अब इसमें मान रख देते हैं। तो इस प्रकार देखिए जेड बराबर कितना हो गया, दो आर का मान रख लिया कॉस ये पाई बाई थ्री हो गया प्लस आई साइन पाई बाई थ्री हो गया। तो देखिए आंसर आ गया इसका, ठीक ना। तो बहुत सरल तरीका है, आप इसको टेबल को याद रखिएगा। अब देखिए मैं इसका चतुर्थांश बदल के दिखा रहा हूँ आपको। देखिए अगर देखिए ये तो पहले एक एग्जांपल हो गया, अगर हम इसमें अगर इसी को माइनस कर दें, ठीक ना। देखिए माइनस कर देने से देखिए ध्रुवीय रूप कैसे बदलेगा। देखिए माइनस वन किया तो हमने यहाँ पे एक माइनस लगा लिया, ठीक ना। माइनस वन का भी वर्ग इतना ही आएगा वन, और ये हमको ये टू तो प्राप्त होगा ही, ठीक ना। अब देखिए इमेजिनरी में क्या बदलेगा, ये रूट थ्री अपॉन रूट वन हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसका आंसर क्या, देखिए चूंकि अब हमको आना चाहिए माइनस, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं माइनस रूट थ्री, ठीक ना। अब चूंकि मॉड लगा है तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में ही आएगा, तो टेन इनवर्स रूट थ्री हो गया। तो रूट थ्री का मान ये पाई बाई थ्री रख लिया। अब देखिए अब चेक करेंगे यहाँ चतुर्थांश चेक करेंगे अब इसके बाद, ठीक ना। अल्फा निकाल लिए, अब चतुर्थांश चाहिए किस चतुर्थांश में है। अब देखिए यहाँ माइनस लग गया तो दूसरे चतुर्थांश में चला गया, ठीक ना। एक्स का मान माइनस और वाई का मान प्लस में चला गया। तो अब क्या करेंगे, दूसरे चतुर्थांश में देखिए क्या होता है, पाई माइनस अल्फा, थीटा निकालने के लिए क्या होता है पाई माइनस अल्फा। तो अब हम यहाँ पर थीटा निकालेंगे, देखिए थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा पाई माइनस अल्फा, ठीक ना। तो ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो इससे क्या प्राप्त हो जाएगा हमारा, यही लिख देते हैं तीन एकम तीन, तो जाएगा टू पाई बाई थ्री। तो हमारा देखिए थीटा ये आया, ठीक ना। और अब हम इसको ध्रुवीय रूप में लिखेंगे, तो ध्रुवीय रूप क्या होता है, आर जेड बराबर आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक ना। तो इसमें लिख लेंगे आर कितना है भाई, टू ही है, और कॉस थीटा, थीटा का मान कितना आया, टू पाई बाई थ्री प्लस आई साइन टू पाई बाई थ्री। तो ये देखिए ये आंसर आ गया इसका, ठीक ना। तो इसमें आप ध्यान रखिए अल्फा निकात कर सकते हैं, और याद रखिए मॉड लगाए तो कभी भी इसका माइनस में तो आना ही नहीं है, ठीक ना। कुछ ना कुछ एंगल तो आएगा ही। अब फिर इसमें जब से ही आप अल्फा निकाल लीजिएगा तो इसमें आप इसका चतुर्थांश चेक करिएगा किस चतुर्थांश में है, उसके हिसाब से इसमें फॉर्मूला लगा देंगे और ध्रुवीय रूप में जो भी है इसका फॉर्मूला इसके मान रख देंगे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसके आगे जो भी प्रश्न लगाएंगे तो हम आगे प्रश्नावली 5.2 करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।